नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की बहुत ही फेमस बहुत ही शानदार ऐसी महिंद्रा बोलेरो का। आज हमारे पास तीन वेरिएंट है, B4, B6, B6 ऑप्शनल। इन तीनों का हम आपस में कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों से प्राइस, फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन पावर का लास्ट तक जरूर देखिएगा इन तीनों के डिफरेंस के बारे में। फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ आपको जो इसमें आपको इन तीनों वेरिएंट में कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। आप देख रहे हैं ये B4 है, इसका जो सेकंड बेस मॉडल। इसके नीचे भी एक आता है B2, हालांकि वो अभी नहीं आ रहा है। और ये है इसका B6 जो कि सेकंड टॉप मॉडल है। और ये है दोस्तों इसका B6 ऑप्शनल। इन तीनों में आपको तीन चीज़ें आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाली। पहला है इसका इंजन पावर, दूसरा है दोस्तों इसकी सस्पेंशन, और तीसरा है दोस्तों इसका सर्विस और वारंटी। इन तीनों चीज़ों में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। इसमें आपको मैं बता दूं तीनों में कौन सा इंजन मिलता है। द पावरफुल एमहॉक टर्बोचार 1.5 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार डीजल इंजन जो कि 75 bhp की पावर जनरेट करता है 3600 rpm पर, और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 2500 rpm पर। तो इंजन पावर में आपको दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। इन तीनों ही गाड़ियों में आपको सेम इंजन पावर प्रोवाइड करती है महिंद्रा। इन तीनों ही गाड़ियों में आपको दोस्तों 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है 3 साल के लिए। ऐसे आप स्टैंड भी करा सकते हैं 5 साल के लिए। चलिए दोस्तों, इसके में कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो आपको तीनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। वो इसका ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, क्रैश सेंसर, इंजन इम्यूलाइजर, एंटी डिप डिवाइस, ड्राइवर साइड एयरबैग, ये सारे फीचर्स आपको तीनों ही गाड़ियों में आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको B6 और B6 ऑप्शनल में पावर डोर लॉक, सेंट्रल लॉक और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, डोर हजार वार्निंग, फ्यूल लॉक वार्निंग, ये सारे फीचर्स आपको B6 ऑप्शनल में आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है B6 ऑप्शनल में। वो मिलता है इसका रियर वाइपर, और यहाँ पे आपको कॉर्निंग लाइट का फंक्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप टर्न लेते समय जो है कहीं मोड़ पे या फिर कहीं टर्निंग पे, तो ये जो है ऑटोमेटिक है मोड़ पे रोशनी और लाइट के लिए। नाइट में काफ़ी बढ़िया है, मदद करता है आपकी टर्निंग पॉइंट पे, जो आपको B4 में B6 में आपको नहीं मिलता, ना ही B4 में मिलता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम तीनों को फ्रंट से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं इसका तीनों को फ्रंट प्रोफाइल लुक। मैं आपको पूरा फुल व्यू दे देता हूँ। इन तीनों को आप देख सकते हो, जो B4 है उस साइड वाला आप देख सकते हो, उसमें जो ग्रिल मिलती है वो ब्लैक और सिल्वर फिनिश में मिलती है, और जो उसकी हेडलाइट है वो आपको हाइलोजन हेडलाइट मिलती है विथ इंडिकेटर। जो इस साइड है B6 और उसमें आपको सिल्वर फिनिश में एक ग्रिल मिलती है, और इसकी जो हेडलाइट है उसमें आपको इंडिकेटर्स और हाइलोजन हेडलाइट मिलती है। वही B4 वाली लाइट इसमें आपको B6 में भी आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो B6 ऑप्शनल में लाइट मिलती है वो यहाँ पर आपको हाइलोजन हेडलाइट मिलती है विथ टर्निंग इंडिकेटर्स, मतलब कॉर्निंग स्टैटिक वेडनिंग हेडलाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है B6 में। और यहाँ पे आपको क्रोम ग्रिल मिल जाती है B6 ऑप्शनल में, और यहाँ पे आपको फोग लैम्प मिल जाते हैं, फोग लैम्प और ये कॉर्निंग लाइट और ये क्रोम फिनिश ग्रिल, ये आपको B6 और B4 में आपको नहीं मिल पाती है। बाकी यहाँ पे जो B6 है उसमें आपको एक सिल्वर फिनिश में ग्रिल मिल पाती है, जो यहाँ पे आपको तीनों ही गाड़ियों में आप देख सकते हो कि ये डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर हम साइड प्रोफाइल की लुक की बात करें यहाँ पे तीनों की, तो आप देख सकते हो कि ये B4 है। यहाँ पे आपको साइड में फुट स्टेप मिलते हैं जो B6 में मिलते हैं, वही आपको B6 ऑप्शनल में भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो टायर साइज़ है बिल्कुल सेम है इनके। दोस्तों टायर साइज़ की मैं बात करूँ यहाँ पे तो 15 इंच की इसमें आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं। टायर साइज़ इनका 215 सेक्शन 75R 15 इंच की इसमें आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। सस्पेंशन बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन विद एंटी रोलर मिल जाते हैं आपको तीनों ही गाड़ियों में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये B4 का साइड प्रोफाइल लुक है, और ये है दोस्तों इसका B6 का। यहाँ पे आपको ग्राफिक मिल जाती है, और जो B4 में नहीं मिलती है आप लगवा सकते हो। ये जो इसके मिरर हैं B4 के वो आपको कलर करवाने पड़ेंगे, आप करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो एंटीना मिलता है आपको वो B4 में नहीं मिलता, B6 और B6 ऑप्शनल में दोनों मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल लुक में B6 और B6 ऑप्शनल में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला। अभी आप देख लीजिए, इसमें भी आपको
साइड ग्राफिक मिल जाती है और 26 ऑप्शन में भी आपको ग्राफिक मिल जाती है। इन तीनों के प्राइस में पूरे 1-1 लाख रुपए का डिफरेंस है और मैं इसकी प्राइस, एक शोरूम प्राइस, ऑनर प्राइस पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर देखेगा इस वीडियो को। चलिए शुरू दोस्तों इसके रियर प्रोफाइल में कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कि रियर प्रोफाइल में कितना डिफरेंस है इन तीनों ही वेरिएंट में। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है B4 है सेकेंड बेस्ट मॉडल, ये B6 है सेकेंड टॉप मॉडल, ये है आपका टॉप मॉडल B6 ऑप्शनल। आप देख रहे हो कि इन तीनों ही गाड़ियों में, मैं दूर से दिखाता हूँ थोड़ी से ताकि आपको काफ़ी फुल व्यू मिल सके तीनों ही गाड़ियों का। आप देख लीजिए कि तीनों ही गाड़ियों में आपको सेम लुक मिलती है, लेकिन खाली यहाँ पे एक ही चीज़ का डिफरेंस है, जो इसकी टेल लाइट है B4 की वो पुराने जैसी आपको टेल लाइट मिलती है पुराने मॉडल की, और यहाँ पे आपको B6 में नए मॉडल की लाइट मिलती है। यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर वगैरह सब में आपको मिल जाते हैं, रियर पार्किंग सेंसर वगैरह, और B4 में भी आपको रियर वाइपर नहीं मिलता, B6 में आपको रियर वाइपर नहीं मिलता, B6 में आपको यहाँ पर रियर वाइपर मिल जाता है। यही एक चेंजेस है जो B6 ऑप्शन में मिल जाता है इसके रियर प्रोफाइल लुक के, तीनों के रियर प्रोफाइल लुक में एक ही चेंजेस है यहाँ पे जो मिलता है आपको रियर वाइपर, और B4 में आपको मिलती है टेल लाइट का चेंजेस देखने को, बाकी सब कुछ सेम मिलने वाला है आपको। चलते हैं इसकी इंटीरियर की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ B4 में क्या चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों ये है इसका B4 बेस मॉडल का इंटीरियर, आप देख सकते हो इसकी जो डोर पैडिंग है कुछ इस तरह की है, और ये जो सीट आपको मिलती है वो आपको डुअल टोन सीट मिलती है, और ये इसका कुछ व्हील कैप वगैरह लगे हैं, यहाँ पे व्हील कैप दिए गए हैं, और ये इसका टूल किट है जो कि आपको तीनों ही वेरिएंट में आपको व्हील कैप मिल जाता है, टूल किट वगैरह मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत कोई डिफरेंस नहीं होने वाली। बाकी आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, इसका डैशबोर्ड है B4 का। अब हम चलते हैं B6 में क्योंकि इसका सेकेंड टॉप मॉडल है, वहाँ पर देखते हैं क्या है डिफरेंस। तो ये इसका जो डोर पैड आप देख सकते हो कुछ चॉकलेटी फिनिश में आपको इसको जो मिलता है डोर पैड काफ़ी अच्छा दिखता है B4 से, और यहाँ पर आपको मिलते हैं एक इसके जो स्पेयर व्हील का जो कैप है वो है, और यहाँ पे आपको बुक वगैरह मिल जाती है, टूल किट वगैरह, ये इसमें बॉक्स में इसका व्हील कैप दिया गया है। बाकी आप इसमें देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम सीट्स मिलती है डुअल टोन में, वो आपको B4 में नहीं मिल पाती, और ये इसका कुछ डैशबोर्ड कुछ इंटीरियर। तो चलते हैं आप B6 ऑप्शनल जो कि टॉप मॉडल है उसमें देखते हैं क्या है डिफरेंस। तो दोस्तों ये है इसका टॉप मॉडल का डोर, जो कि यहाँ पे आपको वाइपर के लिए पानी भरने के लिए दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक मिल जाते हैं जो कि सब कुछ सेम ही, यहाँ पे आपको सीट्स मिलती है जो आपको सेकंड टॉप मिलती है वही आपको टॉप मॉडल में मिलती है। बाकी ये इसके स्पेयर व्हील्स कवर जो आप देख रहे हैं, बाकी ये इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हो, बाकी ये इसका इंटीरियर है। चलिए बंद कर देते हैं और फिर देखते हैं सेकेंड केबिन डोर से। यहाँ पे आप सेकंड केबिन की बात करूँ मैं तो इसका सेकंड केबिन का जो डोर है B4 का कुछ इस तरह का है, यहाँ पे आपको फोर विंडो वगैरह का बटन नहीं मिलता, बाकी ये इसकी सीट्स है, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी नहीं मिलते, आर्मरेस्ट का ऑप्शन जो है आपको मिल जाता है, और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको हेडरेस्ट नहीं मिल पाता B4 बेस मॉडल में। और बात करूँ यहाँ पर मैं B6 सेकेंड टॉप मॉडल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो उसकी डोर कोडिंग वगैरह है चॉकलेटी दिया गया, यहाँ पे आपको पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, बाकी जो इसकी सीट्स है कुछ इस तरह की है, और यहाँ पे आपको दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं B6 सेकंड टॉप मॉडल में। अब चलते हैं हम टॉप मॉडल में, टॉप मॉडल में देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो डोर है वही आपको मिलता है जो आपको B6 में मिलता है, B6 और B6 ऑप्शनल में आपको सेम फैसिलिटी यहाँ पर इंटीरियर में मिलती है आप देख सकते हो। बाकी जो इसका सीट्स है वो काफ़ी बढ़िया है, इसमें भी आपको हेडरेस्ट मिल ही जाते हैं B6 ऑप्शनल में आपको हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, B4 में आपको हेडरेस्ट नहीं मिल पाते। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर पे, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे B6 ऑप्शनल में देख लेता हूँ। यहाँ पे डोर पे आपको छोटे छोटे यूटिलिटी बॉक्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक आर्मरेस्ट हार्ड फाइबर फिनिश में, सेंटर कंसोल पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल बटन मिल जाते हैं यहाँ पे, और इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है जो कि तीनों ही वेरिएंट में आपको मिल जाता है। कुछ इसकी डैशबोर्ड की लुक आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया डैशबोर्ड की लुक आ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इसका इंटीरियर। इसमें आपको जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो सपोर्ट करता है FM रेडियो, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, कुछ इस तरह का इसका म्यूजिक सिस्टम।
इसमें आपको हीटर का ऑप्शन नहीं मिलता, खाली एसी मिलेगी, डिफोगर आपको मिल जाएंगे। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको स्पीडोमीटर आरपीएम मीटर फ्यूल गेज वगैरह दिखाएगा, और इस तरफ है ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले MID मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आप कह सकते हैं इसे, जो टोटल ट्रिप मीटर किलोमीटर फ्यूल गेज और कितनी गाड़ी ये कितने किलोमीटर जाएगी ये गाड़ी वो सब यहाँ पे दिखाएगा। तो ये आपको देखते हैं उसमें आपको मिलता कि नहीं। यहाँ पे आपको देखते हैं ये इसकी की, जो कि आप इस की से लॉक कर सकते हो ये गाड़ी, कार को मतलब देख सकते हो कहाँ पे ये कार खड़ी हुई है, खोज सकते हो, ये लॉक कर सकते हो यहाँ पे की से ही आप पूरा सिस्टम यहाँ से देख सकते हो, लॉक कर सकते हो चारों डोर को। यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बटन मिल जाते हैं जो कि आपको तीनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। बाकी ये आप देख सकते हो इसका जो डैशबोर्ड है काफ़ी बढ़िया दिया गया है। चलते हैं हम B6 में सेकंड टॉप मॉडल में। तो दोस्तों ये है इसका B6 का सेकंड टॉप मॉडल बोलेरो का, तो आप देख सकते हो सेम फिट फिनिश दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बटन, ये है लाइट हेडलाइट का रजिस्टर, ये इसके एसी वेंट्स हैं जो कि वुडन फिनिश में दिए गए हैं, और जो इसकी की है वो कुछ इस तरह की है, सेम की आपको मिलती है जो आपको B6 ऑप्शन में मिलती है। यहाँ पे आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, और यहाँ पे आप कार फाइंड कर सकते हो, तो कुछ इस तरह की आपको की मिल जाती है B6 में। और ये है दोस्तों इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको दिखाएगा ढेर सारी इंफॉर्मेशंस। ये है यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर आरपीएम मीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, वही B6 ऑप्शन जैसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको B6 में। ये इसका मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पे आप दिखाएगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा ये ट्रिप मीटर टाइम और गियर सिस्टम इंडिकेटर, 2000 वार्निंग्स, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह यहाँ पे दिखाएगा। तो ये इसके एसी वेंट्स हैं, और यहाँ पे आपको दिया गया है एक कैनवुड का म्यूजिक सिस्टम। इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती B6 में, जो B6 ऑप्शन में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसकी आप बात वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं इसको ऑक्स USB और FM रेडियो के लिए। बाकी ये सेटिंग्स के कंट्रोल्स बटन यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी इसमें आपको AC वेंट्स के जो बटन्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ये इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे आपको सेंट्रल पे पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और रियर में डोर पे भी आपको मिल जाते हैं। बाकी ये इसका इंटीरियर है, कुछ इसका ये डैशबोर्ड है। चलते हैं B4 में, देखते हैं इसमें कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों ये है इसका बोलेरो का B4 बेस सेकंड बेस मॉडल, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हार्ड फाइबर में एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। बाकी आपको आप पैडल्स वगैरह देख ही रहे हो। ये इसकी सीट्स है जो कि आपको ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड ही हेडरेस्ट मिल पाते हैं, बाकी पीछे नहीं मिल पाते। बाकी ये इसका डैशबोर्ड है जो कि ब्लैक बीच फिनिश में दिया गया है। ये इसके AC वेंट्स हैं जो कि बिल्कुल ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पर आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बटन मिल जाता है जो कि फ्यूल स्विंग करता है, और यह बेस मॉडल में आपको मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये इसके की दोस्तों, जिसमें आपको पावर डोर लॉक, सेंट्रल लॉक और लॉक अनलॉक और कार फाइंडर का ऑप्शन नहीं मिलता, ये सिंपल की। हालांकि आप आफ्टर मार्केट से भी वो सर्विस वो सुविधा ले सकते हो। और देख लेते हैं इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोस्तों। ये है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाता है आपको स्पीडोमीटर आरपीएम मीटर फ्यूल गेज टेम्परेचर अदर वार्निंग्स, और यहाँ पे आपको दिखाएगा टोटल ट्रिप मीटर टाइम, यहाँ पे सीट बेल्ट, ये सारी सुविधाएँ आपको बताएगा। 2000 वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग इसमें आपको नहीं दिया गया है, और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक में भी आपको इसमें नहीं दिया गया है। पावर डोर लॉक, सेंट्रल लॉक भी इसमें आपको नहीं आता, वो आप करवा सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर तीनों वेरिएंट की अगर प्राइस की बात करें, तो सबसे पहले हमें आपको B4 की प्राइस बता दे रहा हूँ। तो जो इसकी एक्सरूम प्राइस है वो 7,78,000 रुपये है, और जो इसकी आन रोड प्राइस है वो 9,37,000 रुपये है। B6 है जो यहाँ पर खड़ी है सामने, उसकी जो एक्सरूम प्राइस है मैं बता रहा हूँ 8,45,179 रुपये इसकी एक्सरूम प्राइस है, या आपको ऑन रोड 10,14,000 रुपये पड़ेगा। दोस्तों जो ये B6 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसकी जो एक्सरूम प्राइस है 8,80,000 रुपये इसकी एक्सरूम प्राइस है, और 10,65,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। और जो इसकी डाउन पेमेंट है दोस्तों, इन तीनों ही गाड़ियों में आपको 2.5 से 3 लाख रुपये इसके डाउन पेमेंट देने पड़ेंगे। और इसके डिस्काउंट के लिए और जो रीज वगैरह आपको साथ में मिलेगी, उसकी जानकारी आपको नियरेस्ट शोरूम से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ले सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।